हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्विकविजन सीरीज़ के अंतर्गत। आज हम यहाँ पर पर्यावरण को लेकर एक दूसरी सीरीज़, यहाँ पर दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान का आज हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक आप सभी के पास पहुँचा और आप सभी ने वहाँ पर उसको देखा है, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया और वहाँ पर उसकी सराहना की। तो आप सभी का यहाँ पर, आपसे UPSC के एग्ज़ाम काफ़ी करीब हैं, समय हमारे पास कम है और यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर जल्दी से जल्दी मैं आपको ये सीरीज़ कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा और आने वाले समय में यहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी आपके वीडियोज़ मिलने शुरू होंगे। तो आज हम यहाँ पर इसी वीडियो लेक्चर के तहत आज हम पारिस्थितिकी विज्ञान को समझेंगे, जानेंगे पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है, इसकी कितनी शाखाएँ हैं, इसका अध्ययन हम कैसे करते हैं, यहाँ पर परिस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं परिस्थिति विज्ञान का। ध्यान से सुनिएगा चीजों को, यहां पर हम प्री और मेंस दोनों के संदर्भों से चीजों को अध्ययन करते चलेंगे, क्योंकि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वहां पर एक से अधिक आपको कारक दिए होते हैं, अर्थात आपको एक विषय से रिलेटेड कई सारी अलग अलग जानकारी अगर हैं तभी आप वहां पर उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप अच्छे से हल कर पाएंगे। इसलिए मैं यहां पर आपको डिटेल से सारी चीजों को बताता चलूंगा, आप भी यहां पर इसको ध्यान से सुने और उसको वहाँ पर सुनते हुए थोड़ा फोकस्ड अगर रहेंगे। एक बार आपको एक घंटे के करीब, आपका एक से डेढ़ घंटे की वीडियो ही, हमें यहाँ पर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ इसी के संदर्भ में, ताकि आप थोड़ा फोकस्ड होकर घंटे डेढ़ घंटे आप अपना समय निकाल कर ही इसको आप बैठें और उसको ध्यान से सुने। तो चलिए, आपका काम सिर्फ सुनना है, ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आपका यहाँ पर फुल रिविज़न हो जाएगा और आपको बाकी किताब नोट्स इत्यादि आपको पढ़ने की भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। और इसी के तहत हम यहाँ पर पारिस्थितिकी विज्ञान को जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पारिस्थितिकी क्या है इसको जान लेते हैं। तो पारिस्थितिकी का तात्पर्य होता है जहां पर जीव जंतु इत्यादि लोगों के मध्य एक दूसरे को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, उनके मध्य किस तरीके के वातावरण का निर्माण होता है, वहाँ पर एक दूसरे पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इत्यादि चीज़ों से निर्मित एक वातावरण इत्यादि का जो अध्ययन किया जाता है, एक पारिस्थितिकी एक इकोलॉजी सिस्टम जो बनता है उसको हम वहाँ पर इकोलॉजी कहते हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1866 में अर्नेस्ट हेकल ने किया था। यहाँ पर पारिस्थितिकी का यदि आपको अध्ययन करना हो तो पारिस्थितिकी की कुछ अलग अलग शाखाएँ हैं और इन शाखाओं के अंतर्गत यहाँ पर कई सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। तो आइए जानते हैं शाखाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखिए स्वयं पारिस्थितिकी है। स्वयं का मतलब होता है जहां पर किसी एक व्यक्ति, एक पेड़ पौधे या फिर किसी एक जीव के अध्ययन, उसके वातावरण के साथ उसके प्रभावों की जानकारी होती है, उसके रिलेटेड क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम कहते हैं आपके स्वयं पारिस्थितिकी। दूसरा है समुदाय पारिस्थिकी। समुदाय पारिस्थिकी को तीन अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। पहला है आबादी पारिस्थिकी। आबादी पारिस्थिकी से तात्पर्य है जहां पर किसी एक विशेष जाति के संदर्भ में उसकी क्रियाकलापों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसको हम आबादी पारिस्थिकी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मनुष्य एक प्रजाति का अध्ययन करना हो गया, किसी शेर इत्यादि प्रजाति का अध्ययन हो गया, किसी अन्य किसी जीव के एक प्रजाति का अध्ययन करना। उसके बाद आता है समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी में यहाँ पर ना सिर्फ किसी एक जीव के बल्कि उस जीव के साथ साथ पेड़ पौधे हो गए, अन्य जीव जंतु हो गए, अन्य समुदाय हो गए, उनके सम्मिलित स्वरूपों, उनके क्रियाकलापों का जो अध्ययन करना होता है, हम उसको समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी, यहाँ पर जीवी और अजीवी घटक के साथ साथ सौरिक घटक जुड़ जाते हैं, अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थलाकृतियाँ और साथ साथ यहाँ पर आपके अपघटक और सूर्य इत्यादि के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है, भूतापी जो ऊर्जा मिलती है, उन सभी का एक दूसरे के साथ जो क्रियाकलाप होते हैं, अंतर संबंध होते हैं, उनका एक अध्ययन जो किया जाता है उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी कहते हैं। और यहाँ पर इसको हम पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत अलग अलग चीजों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत आवासीय पारिस्थितिकी थी, अर्थात किस आवास के आधार पर किसी भी जीव समुदाय उसके क्रियाकलापों का अध्ययन करना। आवास अर्थात जहां पर कोई व्यक्ति या जीव रहता हो। तो आवास पारिस्थितिकी, यहां पर दो तरीके के आवासीय पारिस्थितिकी लिए गए हैं, पहला है जलीय पारिस्थितिकी और दूसरा है स्थलीय पारिस्थितिकी। जलीय पारिस्थितिकी का यहाँ पर दो जलीय, एक होते हैं जहाँ पर मीठे पानी के स्रोत और दूसरे होते हैं जो खारे पानी के स्रोत हैं। तो मीठे पानी के स्रोत जैसे नदी हैं, झील हैं, तालाब हैं, तो यहाँ पर इनके कह सकते हैं कि जो निवास करते हैं, यहाँ पर आपके जो जीव जंतु होते हैं इनमें और उनका जिस तरीके से अंतर संबंध क्रियाकलाप होते हैं, उनको हम यहाँ पर जलीय पारिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जिसमें आपके कह सकते हैं कि
स्वच्छ जल पारिस्थिकी के अंतर्गत, दूसरा है आपका समुद्री जल पारिस्थिकी। समुद्री जल पारिस्थिकी अर्थात खारे पानी लवणी जल के वहाँ पर पाए जाने वाले जीवों, पेड़ पौधों और कह सकते हैं घास स्थल इत्यादि चीज़ों का जो सम्मिलित स्वरूप है उनका हम अध्ययन खारे पानी या फिर समुद्री जल पारिस्थिकी के अंतर्गत करते हैं। लेकिन जल के साथ साथ स्थल पर भी वहाँ पर कई सारे जीव हैं, पेड़ पौधे हैं और अपघटक होते हैं, तो उनका जो अध्ययन किया जाता है उनको हम स्थलीय पारिस्थिकी कहते हैं। स्थलीय पारिस्थिकी को भी कई अलग अलग भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, जैसे कि घास स्थल पारिस्थिकी अर्थात घास के मैदानों में पाए जाने वाले जीवों और वहाँ पर संबंधित पर्यावरण और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन। वन स्थल पारिस्थिकी वन और उसके जो वन होते हैं और उसमें रहने वाले जीवों का अध्ययन। मरुस्थल मरुस्थली अर्थात रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव और वातावरण प्रभाव इत्यादि का अध्ययन। फसल पारिस्थिकी अर्थात फसलीय क्षेत्रों में, जैसे कि आप गेहूं का मान लीजिए अगर आप फसल उगाई गई तो वहाँ पर मिट्टी में जो जीव पाए जाते हैं, जो अपघटक होते हैं, केचुए जैसे मान लीजिए हो गया, और इसके अलावा आप जब फसल पकती है तो वहाँ पर कई सारे कीट पतंगे लग जाते हैं, टिड्डे होते हैं, और इसके अलावा चिड़िया होती हैं, उस फसल को पकाने और खेती बुआई इत्यादि करने वाला फसल काटने वाला मनुष्य होता है, तो यहाँ पर कई सारे अलग अलग जीव यहाँ पर सम्मिलित होते हैं और इनका जो अध्ययन किया जाता है वो हम फसल पारिस्थिकी के अंतर्गत करते हैं। लेकिन यहाँ पर आधुनिक पारिस्थिकी का जो वर्गीकरण किया जाता है वहाँ पर कई अलग अलग स्तरों में इसके छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके इसे पढ़ा जाता है। यहाँ पर जो अभी हमने सारा कुछ देखा ये कई अलग अलग प्रकारों से हम पारिस्थिकी को पढ़ सकते हैं, लेकिन आधुनिक जो वर्गीकरण किया गया है पारिस्थिकी का वहाँ पर अगर हम देखें तो ये और भी कई अन्य छोटे छोटे भागों में इसे डिवाइड करके पढ़ा जाता है। जैसे कि उत्पादन पारिस्थिकी अर्थात जहाँ पर प्रोडक्टिविटी हो रही हो, कुछ नया उत्पादित किया जा रहा हो, कुछ बनाया जा रहा हो, वहाँ से रिलेटेड जो क्योंकि जैसे फसली क्षेत्र हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव पारिस्थिकी अर्थात ऐसे क्षेत्र, ऐसे स्थान जहां पर सूक्ष्म जीवों का निवास होता है और वो उस स्थान में किस प्रकार के अंतर क्रियाकलाप स्थापित करते हैं, जैसे आपके जीवाणु हो गए, कवक हो गए, तो उनसे रिलेटेड जो पारिस्थिकी हो गई। जाति पारिस्थिकी किसी एक विशेष जाति के बारे में। आबादी पारिस्थिकी जहां पर एक समुदाय के बारे में जानकारी लेना है, एक पर्टिकुलर एक जनसंख्या के बारे में जानकारी आपको प्राप्त करनी हो। समुदाय पारिस्थिकी जहाँ पर कई अलग अलग समुदायों से मिलकर उसका पारिस्थिकी का निर्माण होता है और वहाँ पर वो एक दूसरे कैसे प्रभावित करते हैं। प्रदूषण पारिस्थिकी जैसे किसी एक शहर को ले लीजिए, शहरों में लोग रहने वाले लोगों को ले लीजिए, उनके द्वारा जो पॉल्यूशन फैलाया जाता है, कई फैक्ट्रियों के द्वारा जो होता है पानी को गंदा किया जा रहा है, मोटर गाड़ी वाहनों के द्वारा वायु प्रदूषण इत्यादि हो रहा है, तो प्रदूषण के कारण जो भी आपका पारिस्थिकी का निर्माण होता है, फिर अगर आपका ज़्यादा प्रदूषण होगा तो उसका जो प्रभाव होगा वो मनुष्यों पर पड़ता हुआ दिखाई देता है, तो इस प्रदूषण पारिस्थिकी को भी हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। स्थान पारिस्थिकी के अंतर्गत मान लीजिए किसी विशेष स्थान से संबंधित पारिस्थिकी का अध्ययन करना, जैसे कि पठारी क्षेत्रों का पारिस्थिकी हो गया, पहाड़ी क्षेत्रों का हो गया, या फिर मैदानी क्षेत्रों का हो गया, समुद्री क्षेत्रों का होगा, तो यहाँ पर स्थान विशेष क्षेत्र की पारिस्थिकी का अध्ययन हम करते हैं। विकासीय पारिस्थिकी अर्थात विकास के कारण जो परिवर्तन हुए हैं उस विकास का क्या प्रभाव पड़ा है, जैसे कि आप मनुष्य को देख लीजिए, मनुष्य जो होता है उसका क्रमिक विकास हुआ है। पहले वो अगर देखे थे एक आखेटक के रूप में था, फिर वो एक समुदाय और समाज में रहना शुरू किया, उसने फिर कृषि करना शुरू किया, फिर वो आपको औद्योगिक समाज की तरफ आ गया, तो इस तरीके से जो विकासीय प्रक्रियाएँ हुई हैं उन विकासीय प्रक्रियाओं में जो पारिस्थिकी का उसने किस तरीके से दोहन किया गया, वहाँ पर परिवर्तन लेकर आया, उसका जो अध्ययन किया जाता है वो हम आपके विकासीय पारिस्थिकी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट आता है अनुवांशिकी पारिस्थिकी। अनुवांशिकी पारिस्थिकी का अर्थ होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के में होने वाले परिवर्तन, उसमें प्रभावों के पर्यावरण पर उस पर पड़ने वाले प्रभावों इत्यादि का जो अध्ययन किया जाता है वो हम अनुवांशिकी पारिस्थिकी के अंतर्गत करते हैं। मानव पारिस्थिकी जहाँ पर हम मानव से संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। व्यवहारिक पारिस्थिकी जहाँ पर कह सकते हैं कि व्यवहार स्वरूप जो भी परिवर्तन देखने को मिलता है कि मनुष्य के द्वारा किया गया कोई कार्य उसके सामने वाले, या जैसे कि मान लीजिए मनुष्य ने वनों की कटाई कर दी, तो वनों के कटाई करने के बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। जैसे आप वनों की कटाई कर दें तो वहाँ पर आपका मृदा अपरदन शुरू हो जाएगा, बरसात होगी, बरसात के कारण मृदा जो होती है बह जाती है, बहकर वो आपके जो होते हैं नदियों में चली गई, नदियों का जो होते हैं गाद जो होते हैं गाद के रूप में भर जाती है, जिससे फिर बाढ़ संबंधी समस्याएं आती हैं, तो ये क्या होगा, व्यवहारिक पारिस्थिकी का अध्ययन करना हो गया, अर्थात किसी के द्वारा किया गया कोई कार्य या व्यवहार सामने क्या इफेक्ट लेकर आएगा, क्या प्रभाव लेकर आएगा, उसका अध्ययन करना।
एदलास फिरवाई से पारिस्किकन तंत्र पारिस्की जो हम पहले देख चुके हैं। तो हमने यहाँ पर यह देखा कि आधुनिक पारिस्की वर्गीकरण के अंतर्गत कौन कौन सी यहाँ पर पारिस्की का अध्ययन और किस किस स्वरूपों में उसमें और उस विशेष पारिस्की में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। लेकिन ये पारिस्की ऐसे ही नहीं बनती है, इस पारिस्की को बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं, बहुत सारे कारक होते हैं जो इसमें परिवर्तन लेकर आते हैं। और इसी परिवर्तनों को समझने के लिए हमें यह जानना ज़रूरी है कि एक पारिस्की का जो निर्माण होता है वहाँ पर उसके जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो क्या हैं। तो देखिए पारिस्की जो कारक है यहां पर सबसे पहला है जलवायवी कारक। जलवायवी कारक के अंतर्गत प्रकाश, तापमान, जल एवं वर्षा, वायुमंडलीय नमी और वायु, ये सभी चीज़ें आती हैं। और इन सभी के सम्मिलित स्वरूप से जो परिवर्तन आता है पारिस्की में उसको हम कहते हैं जलवायवी कारक के द्वारा प्रभावित परिवर्तन या जलवायवी कारक का पारिस्की पर प्रभाव। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये पारिस्की पर प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश का। आपको सभी को पता है कि हमारे लिए प्रकाश कितना ज़रूरी है। जो पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है उसी के कारण जो होता है हमें गर्म रखने का या पृथ्वी को भी गर्म रखने का एक सिस्टम बनता है। उसके कारण ही जीव जंतुओं की उत्पत्ति और उनका जो होता है कि सस्टेन वो बने रहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रकाश के कई अलग अलग स्वरूपों, कई अलग अलग स्तर पर प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बिना प्रकाश के संभव नहीं हो सकती है। प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर हरे पौधों में जो होते हैं पर्णहरी उसके द्वारा किया जाता है। जो प्रकाश जो होता है सूर्य के द्वारा जितना हमें प्रकाश मिलता है, मान लीजिए अगर हम एक आंकड़ा लेते हैं, मान लेते हैं 100%, तो 100% का जो होता है 4% जो होता है पर्णहरी के द्वारा प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का संपादन किया जाता है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के कारण ही यहाँ पर आपको विग्ब्योर की घटना, जो प्रकाश होता है उसी के कारण जो सूर्य के प्रकाश आता है उसी से विग्ब्योर की घटना देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको जो लाल और नीला जो कलर होता है वो प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक जो होता है सहायक होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, देखिए वाष्पोत्सर्जन होता है जहाँ पर आपको वेपराइजेशन है, जो ट्रांजिशन होता है। इसमें होता क्या है, बेसिकली जो प्रकाश होता है वो प्रकाश पत्तियों के में जो पाए जाने वाले रंध्र होते हैं उन रंध्रों के खुलने और बंद होने को निर्धारित करता है। और इन्हीं रंध्रों से जो होते हैं वाष्प का उत्सर्जन भी होता है, जिसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन की घटना। यदि यहाँ पर प्रकाश ज़्यादा लंबे समय तक रहता है, ज़्यादा गर्म रहता है, तो वहाँ पर रंध्र ज़्यादा समय तक घुले रहेंगे। अर्थात अगर प्रकाश का तापमान ज़्यादा होगा तो वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ज़्यादा तीव्र होती है। यदि वहाँ पर प्रकाश का तापमान कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी। जैसे कि गर्मी के दिनों में वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है और ठंडी के दिनों में वाष्पोत्सर्जन कम होता है, क्योंकि वहाँ पर जो रंध्र होते हैं वो प्रकाश पर डिपेंड करते हैं। फिर आता है गति। पौधों के बढ़ने की जो गति होती है वो प्रकाश पर निर्भर करती है। देखिए जो पौधे होते हैं वो दो तरीके से बढ़ते हैं, एक जिसको हम कहते हैं प्रकाश के धनात्मक स्तर पर बढ़ना, अर्थात प्रकाश के अनुरूप बढ़ना, जिसको कहते हैं कि धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। इसमें होता क्या है कि जो पौधा होता है अगर वो मिट्टी से ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है, जैसे टहनी आपके तना जो होता है उसकी पत्तियां होती हैं, फूल फल होते हैं, तो आपके पेड़ जो बढ़ते हैं जो प्रकाश की ओर ऊंचाई में जो होते हैं बढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्ती गति। दूसरा होते हैं ऐसे पौधे जो आपके मिट्टी से नीचे की ओर जो होता है तली की ओर बढ़ते हैं, जैसे जड़ें होती हैं, और साथ ही जैसे आप देख सकते हैं कि आपका गाजर होता है, मूली होती है, वो क्या होते हैं मिट्टी के नीचे ज़्यादा बढ़ती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इनको हम कहते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, अर्थात प्रकाश से विपरीत दिशा में बढ़ना और प्रकाश से के दिशा में बढ़ना। तो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती अर्थात ऐसे पौधे जो प्रकाश की ओर गति करते हुए ऊपर बढ़ते हैं या गति करते हैं उनको हम धनात्मक कहते हैं, और जो प्रकाश की विपरीत दिशा में बढ़ते हैं उनको हम ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती गति कहते हैं। इसके बाद आता है बीजांकुरण। बीजांकुरण एक ऐसी घटना है जहां पर बीजों के अंकुरण के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, और यहां पर उनको कम तापमान पर रखकर उनको शीतल तापमान देकर वहां पर उनको अंकुरित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो यहां पर इसको बीजों के अंकुरण के लिए एक निश्चित तापमान के होने की चाहिए, कहीं पर आपको ज़्यादा किसी को चाहिए, किसी को कम होना चाहिए, तो वहां पर बीजांकुरण की जो घटनाएँ होती हैं वो भी प्रकाश के तापमान पर निर्भर करती हैं। इसी के आधार पर पौधों के बढ़ने और घटने की, अर्थात किसी के नए फूलों का प्रस्फुटन होना हो, बीजों का निर्माण होना हो, अंकुरण होना हो या फूलों का खिलना हो, ये सभी चीज़ें भी आपके प्रकाश पर निर्भर करती हैं। इसको हम कहते हैं दीप्तकालिता। दीप्तकालिता का मतलब होता है किसी भी पौधे बीजों अंकुरित होने के लिए वहाँ पर जो जितना
प्रकाश की जितनी अवधि चाहिए हो उसको कहा जाता है दीप्तिकालिता, अर्थात प्रकाश की अवधि को दीप्तिकालिता कहते हैं। जितने समय तक आपको प्रकाश मिलता हो, जैसे कि सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक, या सुबह 7 बजे से रात शाम को 5 बजे तक, या आपको तीव्र जो होती है वहाँ पर आपको 12 से 5, तो इस तरह की जितनी देर तक आपको प्रकाश मिलता है वो प्रकाश की अवधि कहलाती है। अब यहाँ पर अल्पदीप्तिकाल, दीर्घदीप्तिकाल और प्रकाश उदासीन है। अल्पदीप्तिकाल का मतलब होता है ऐसे पौधे या फल फूल जहाँ पर उनको कम समय तक प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो कम समय में भी जो होते हैं प्रकाश प्राप्त करके भी अंकुरित हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। दूसरा है दीर्घदीप्तिकाल, ऐसे पौधे जिनको ज़्यादा समय चाहिए होता है, ज़्यादा प्रकाश जो होता है, ज़्यादा देर तक प्रकाश चाहिए होता है, उनको दीर्घदीप्तिकाल पौधे कहते हैं। प्रकाश उदासीन, ऐसे पौधे जिनके लिए प्रकाश की वहाँ पर कोई आवश्यकताएँ नहीं होती हैं, या एक लिमिटेड टाइम तक वहाँ प्रकाश की आवश्यकताएँ नहीं होती कि इतना अवधि तक उनको चाहिए ही चाहिए, तो अर्थात वहाँ पर समय के लिए उनके लिए उदासीन होता है, ऐसे पौधों को यहाँ पर हम प्रकाश उदासीन कहते हैं। तो यहाँ पर अल्पदीप्तिकाल में हेनसेन जैसे पौधे आते हैं, दीर्घदीप्तिकाल में जौ जैसे पौधे आए, प्रकाश उदासीन में पालक जैसे पौधे यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा प्रकाश के आधार पर पौधों को दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है, एक प्रकाशप्रिय और एक छायाप्रिय। प्रकाशप्रिय अर्थात जो प्रकाश की उपस्थिति में ही खिलते हैं, जैसे आप सूरजमुखी को देखें वो सूर्य के प्रकाश में ही वहाँ पर वो आपको खिलता है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो छायापूर्ण स्थानों में खिलते हुए ज़्यादा अच्छे दिखते हैं या ज़्यादा अच्छे से तरीके से विकसित होते हैं, जैसे पालक हो गया आपका, टमाटर हो गए, इन सारी चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर हमने प्रकाश का किस तरीके से प्रभावित करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को, वाष्पोत्सर्जन को, गति को, बीजांकुरण को, दीप्तिकालिता, उसके प्रकार, प्रकाशप्रिय, छायाप्रिय को हमने देख लिया। अब इसके अगले स्वरूप की यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है तापमान, कि तापमान किस तरीके से आपके प्रक्रियागत स्थितियों को पर्यावरण में परिवर्तन लेकर आया, परिस्थिति में परिवर्तन लेकर आता है। यहाँ पर पहली बात आती है एंजाइम, अर्थात विकर। एंजाइम जो होता है यहाँ पर अगर बात की जाए तो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अच्छे तरीके से काम करते हैं एंजाइम ये, लेकिन अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान हो जाता है तो वहाँ पर ये आपके अक्रियाशील हो जाते हैं, और यहीं पर अगर तापमान 60 से 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वहाँ पर जो आपका एंजाइम होता है वो विकृत हो जाता है। तो यहाँ पर तापमान बहुत उचित होना चाहिए, जहाँ पर तापमान पर निर्भर करेगा कि एंजाइम क्रियाशील होगा, अक्रियाशील होगा या विकृत हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन के रूप में पूछ लिए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण भी यहाँ पर डिपेंड करता है कि तापमान कैसा है, जैसे कि आप 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक की स्थिति तक जाएंगे तो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण जो होता है ज़्यादा अच्छा होता है, 35 से 45 डिग्री तक सबसे अच्छा होता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहाँ पर आपका प्रकाश संश्लेषण सबसे अच्छी गति से होता है। उसके बाद फिर इसके संश्लेषण जो होते हैं होने की जो दर होती है वो आपके प्रकाश के तापमान पर ही, इसलिए कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण डिपेंड करता है कि वहां पर उसका तापमान कैसा है और कितनी देर की अवधि तक होता है। श्वसन की बात करें, श्वसन जो होता है वो 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर बहुत तेज़ी से वहाँ लगातार बढ़ता जाता है, अर्थात 0 से 10 तक, फिर 10 से 20 और 20 से 30 में यहाँ पर 2 से 2.5 गुना, इसमें हर 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान बढ़ने के साथ श्वसन की जो दर होती है वो 2 से 2.5 गुना बढ़ जाती है। 30 डिग्री सेल्सियस तक श्वसन की दर जो होती है वो सर्वाधिक होती है। इसके अलावा जल और खनिज की बात करें तो जल और खनिज का जो अवशोषण होता है वो भी तापमान पर निर्भर करता है। जैसे कि यदि मान लीजिए कि आपका जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पर आपको पानी और खनिज लवण की आवश्यकताएं भी ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर वो आपको ज़्यादा दुग्धकृष्य होता है, वहाँ पर उसका उपापचन की प्रक्रिया ज़्यादा अच्छी रहती है और वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन भी उसी अनुसार होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आपको तापमान में थोड़ी सी गिरावट आती है, अनुकूलन की स्थिति नहीं होती है, तो वहाँ पर आपको वाष्पोत्सर्जन की घटना भी नहीं होती है। जब वाष्पोत्सर्जन नहीं होता तो जल और खनिज के अवशोषण की जो होती है वो भी जो होती है धीरे धीरे कम हो जाती है। उनके कह सकते हैं कि जल और खनिज लवणों के अवशोषण की गति जो होती है वो दो धीमी पड़ जाती है। फिर आता है बसंतीकरण। बसंतीकरण की घटना होती है जहाँ पर बीजों को कम तापमान पर रख कर उनको अंकुरित होने के लिए जो होता है प्रोत्साहित किया जाता है या रखा जाता है, उस घटना को हम बसंतीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बसंतीकरण का मतलब है ऐसे बीजों को जिनको कम तापमान में अंकुरित होना होता है, और इस घटना को करने के लिए इस घटना को हम बसंतीकरण की घटना कहते हैं। इसके बाद तापमान का वर्गीकरण के आधार पर वनस्पतियाँ कैसी होती हैं, तो देखिए यहाँ पर वनस्पतियों का जो वर्गीकरण तापमान के आधार पर किया गया है वो है महातापी, मध्यतापी, न्यूनतम तापी और महान्यूनतम तापी। यहाँ पर महातापी का मतलब है ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक तापमान उच्च बना रहता है, जैसे कि आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पर आपकी सूर्य की किरणें जो होती हैं वो सीधी पड़ती हैं, और ऐसे क्षेत्रों में आपका तापमान भी लगातार ज़्यादा रहता है।
उसके बाद आता है मध्यतापी, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहाँ पर तापमान हम ऐसे मान लेते हैं कि जैसे 12 महीने हैं, तो 12 महीने में 8 से 10 महीने जो होता है आपका गर्मी के दिन रहते हैं और 3 से 4 महीने जो होते हैं आपके ठंडी के दिन होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को वहाँ पर हम उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, कह सकते हैं कि मध्यतापी वनस्पति क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है आपके उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आते हैं। अगली बात आती है कि न्यूनतम तापी, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक ठंडी रहती है और कम लंबे समय तक वहाँ पर गर्मी रहती है। अर्थात अपोजिट कर लीजिए कि 12 महीने मान लीजिए 8 महीने ठंडी रहती है और 4 महीने आपके गर्मी आती हो, तो ऐसे क्षेत्रों को वहाँ पर हम ऐसी वनस्पतियों को हम न्यूनतम तापी वनस्पति कहा जाता है, जैसे कि आपको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अगर ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर आपको 3600 जो आपका किलो 3600 मीटर की जो ऊंचाई पर जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं उनको हम यहाँ पर रखते हैं। फिर आता है महान्यूनतम तापी, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्ष भर जो होती है ठंड और बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, ऐसे क्षेत्रों को महान्यूनतम तापी कहते हैं। जैसे शीत कटिबंधीय क्षेत्र या फिर ऊंचाई की बात करें तो 3600 मीटर के ऊपर 4800 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जलवायु कारक में प्रकाश और तापमान वर्गीकरण, उनके प्रकार, उनके पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी हमने ले ली। अब बात करते हैं जल एवं वर्षा के बारे में। देखिए जल मनुष्य की बॉडी का भी आप जानते हैं 70% 60% आपका जो होता है जल, आपकी बॉडी जो का संगठन है वो आपके जल से है। इसी तरह हर एक जीव को जीने के लिए जल चाहिए, पानी चाहिए, वहाँ पर उसके बिना ये संभव नहीं है। आज सिंचाई करनी हो, खाना बनाना हो, पीने का पानी है, या फिर आपको स्विमिंग करनी है, व्यापार करना है, सभी क्या होते हैं जल के माध्यम से ही हो रहा है। अर्थात जल के कई सारे अपने अपने उपयोग हैं। वनस्पति वितरण के लिए भी जल वहाँ पर होता है, अर्थात जहाँ पर आपकी जब वर्षा जो होती है ज़्यादा होती है वहाँ पर ज़्यादा सघन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जहाँ पर वर्षा बिल्कुल नहीं होती है वो मरुस्थलीय क्षेत्र भी वहाँ पर हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वनस्पति का जो वितरण होता है वो भी जल और वर्षा पर निर्भर करता है। इसके अलावा जो जल चक्र होता है वो भी आप पर निर्भर करता है। जैसे कि आपका ज़्यादा तापमान होगा, ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, तो ज़्यादा वहाँ पर बादल बनेंगे, फिर वो ज़्यादा बरसात करेंगे, फिर वही पानी आपका जाकर समुद्र मिल जाएगा, फिर उस समुद्र के पानी का वहाँ पर सूर्य के द्वारा ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी तो अवशोषण होगा, फिर वही सारे चक्र आपका चलता रहता है। और इसी जल चक्र में सभी जीवों को उनके जलों की आपूर्ति वहां पर होती रहती है। तो यहां पर ये जल चक्र है। तो जल एवं वर्षा के प्रयोग और प्रकारों को हमने देख लिया यहां पर कैसे होता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली जो नमी होती है जलवाष्प के रूप में, उसको हम वायुमंडलीय नमी कहते हैं। कई सारे जीवों को वहां पर उसकी जरूरत होती है और वहां पर जीवों को कारक के रूप में वायुमंडलीय नमी वहां पर बनी रहती है। वायु की बात करते हैं तो वायु की देखिए यहाँ पर वायु गति और वायुमंडल की गैसें जो होती हैं, वायु गति जो होती है वो पौधों के आकार, प्रकार, संरचना, मिट्टी इत्यादि को वहाँ पर निर्धारित करने के लिए वायु गति वहाँ पर जिम्मेदार होती है। उसी तरह वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैसें होती हैं, यदि उनका एक उचित संतुलन बना रहता है तो वायुमंडल हमारे लिए अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है। लेकिन यदि वायुमंडल में वहाँ पर गैसों का जो संतुलन है वो बिगड़ जाए तो वहाँ पर पॉल्यूशन का काम करेगा और हमारा जो वायुमंडल है फिर वहाँ पर जीवों के रहने लायक नहीं बचेगा। अगर जैसे कि मान लीजिए वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा वो अचानक से घट जाए तो यहाँ पर जितने भी जीव हैं जो ऑक्सीजन पर निर्भर करते हैं वो सारे के साथ उनकी मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए वायुमंडल में पाए जाने वाले जो गैसें हैं वो आपको प्रभावित करती हैं, उनके उचित संतुलन का होना जरूरी है। अन्यथा कि जैसे पॉल्यूशन की समस्या बढ़ रही है, लगातार पॉल्यूशन हो रहा है, तो लोगों को आप देख रहे हैं कि दमे की बीमारी हो गई, अस्थमा की संबंधी समस्याएं हैं, ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह की कई सारी आपको स्क्लेरोथिस जैसी समस्याएं आती हैं। तो इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर वायुमंडल की गैसें इन सभी चीज़ों को प्रभावित करती हैं। तो हमने ये देख लिया कि जल पारिस्थितिक कारक के अंतर्गत जलवायु कारक आते हैं और जलवायु कारक में हमने प्रकाश, तापमान, जल एवं वर्षा, वायुमंडल नमी और वायु के अपने अपने क्या प्रयोग हैं, किस तरीके से ये प्रभावित करते हैं पारिस्थितिक को, और वहाँ पर उसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने चर्चा की। लेकिन जलवायु यहाँ पर पारिस्थितिकी को सिर्फ जलवायु कारक ही प्रभावित नहीं करते हैं बल्कि कुछ अन्य कारक भी आते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्थलाकृति कारक स्थान की ऊंचाई निर्धारित करते हैं। स्थान की ऊंचाई निर्धारित करती है कि वहाँ पर किस प्रकार के वनस्पति, जीव जंतु इत्यादि का निर्माण होता है। जैसे कि अगर आप देखें, जैसे ही आप समुद्र तल से ऊपर की ओर जाएंगे तो वहाँ पर आपका तापमान बढ़ता जाता है। आप किसी पर्वत का सहारा ले लीजिए, पर्वत में अगर आप देखें सबसे जो निचला पार्ट होगा वहाँ पर आप ज़्यादा लोग रह रहे होंगे, जीवों के रहने वाली संख्या भी ज़्यादा होगी, पेड़ पौधों की संख्या भी ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे ही आप पर्वतों में ऊंचाई की ओर जाते जाएंगे वहाँ पर ऑक्सीजन इत्यादि की मात्रा, तापमान में जो होता है गिरावट, पेड़ पौधों की कमी, जीवों का वहाँ पर ना होना, तो साथ ही आवास इत्यादि की कमी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को कैसे मिलती हैं ऊंचाई के आधार पर।
भूमि का ढलान निर्भर करता है। भूमि का ढलान अगर देखिए क्या होता है कि अगर दक्षिणी ढलान पर है तो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ बरसात इत्यादि ज़्यादा होती है। उत्तरी ढलान की स्थिति है कि वहाँ पर मरुस्थल आपको सूखा बरसात कम जैसी स्थितियाँ होती हैं, आपको जनसंख्या का भी वितरण जो होता है सीमित होता है, वन का जो होता है वो विरल वन पाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये सारी स्थितियाँ आपको देखने को मिलती हैं जो भूमि के ढलान पर निर्भर करती हैं। इसके अलावा खुलाव की बात करते हैं तो खुलाव जो होता है कि जितना स्थान जो होता है जितना खुला होगा वहाँ पर प्रकाश की मात्रा जितनी ज़्यादा मिल रही होगी, वहाँ पर वायु इत्यादि की पहुँच जितनी सक्षम होगी वो क्षेत्र उतने ही ज़्यादा सघन बेहतर और वहाँ पर परिस्थिति वहाँ पर ज़्यादा बेहतर होगी। जैसे कि मैदानी क्षेत्रों में देखिए वो ज़्यादा खुले होते हैं, वहाँ पर प्रकाश भी अच्छी खासी मात्रा पहुँचता है, जनसंख्या भी सघन आबादी में होती है, तो वहाँ पर साथ ही साथ औद्योगिक इत्यादि क्षेत्रों का विकास भी काफ़ी अच्छे से होता है बजाय आपके पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा। तो डिपेंड करता है कि खुलाव कितना है क्षेत्र का और उसी के आधार पर आपके परिस्थिति का विकास होता है। इसके बाद आता है मृदा कारक। मृदा कारक में सबसे पहले बात करते हैं मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो मृदा का निर्माण दो तरीके से होता है। पहला है भौतिक अपक्षय, अर्थात जब बड़े बड़े पर्वतों पर का जो होता है टूटकर छोटे छोटे आपके टुकड़ों में परिवर्तित होने की जो घटना है अपक्षय होता है वहाँ पर, उस घटना को बोला जाता है हम भौतिक अपक्षय। दूसरा है रासायनिक अपक्षय, जब छोटे छोटे टुकड़ों का टूटकर वो रासायनिक कणों के रूप में छोटे छोटे बिंदुओं रासायनिक खनिज लवणों में परिवर्तित होना वो शुरू हो जाते हैं तो उनको हम रासायनिकरण कहते हैं, रासायनिक अपक्षय कहते हैं, जिसके लिए आपका ऑक्सीकरण हो गया, कार्बनिकरण हो गया, हाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम चीज़ें हो गई, ये सभी मिलकर यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया को संपादित करती हैं। इसके बाद आता है मृदा परिच्छेदिका, अर्थात जब मान लीजिए किसी एक मिट्टी हो गई, जैसे कि मान लीजिए ये आपका हो गया मिट्टी हो गया, अगर मैं यहाँ पर इस मिट्टी को, ये आपको मान लीजिए 100 मीटर का है मिट्टी का गड्ढा है, और मैं इसको काट दूँ यहाँ पर एक अंदर तक मैं गड्ढा करता हूँ तो एक इसकी परत दिखाई देगी जिसको हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। अब मृदा परिच्छेदिका के कई सारे भाग होते हैं, जहाँ पर इसको मैं डिवाइड कर लूँ तो चार भाग हैं जिसको मैंने ABCD नाम दिया है। मृदा जो आपका सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मृदा का संस्तर ए, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, ह्यूमस यहाँ पर अच्छी होती है, यहाँ पर आपके छोटे छोटे कण होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा उपजाऊपन होता है, जीव जो होते हैं यहाँ पर आपके निवास करते हैं, और यहाँ पर आपको इसीलिए कहा जाता है इसको मृदा परिच्छेदिका का पहला पार्ट अर्थात ए, इसी को शीर्ष मृदा भी कहा जाता है। इसके जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं अधोमृदा, जहाँ पर चिकनी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ पर आपको जल का संचय भी ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है और दोमट की चिकनी जैसी मिट्टियों होने के कारण, लेकिन यहाँ पर जो उसका उपजाऊपन होता है वो आपके संस्तर ए की अपेक्षा कम होता है। उसके बाद आता है थर्ड पार्ट जिसको हम कहते हैं मृदा परिच्छेदिका संस्तर सी, यहाँ ये मूलतः कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम सल्फेट का बना होता है और यहाँ पर जो बहुत बड़े पौधे हैं उनकी लंबी लंबी जिनकी जड़ें ज़्यादा लंबी होती हैं वो ही यहाँ पर पहुँच पाते हैं। और द लास्ट मृदा परिच्छेदिका डी, यहाँ पर आपके बड़े बड़े बोल्डर्स और आपके पत्थर और कंक्रीट और रॉक होती हैं, चट्टाने होती हैं, और यहाँ पर बाकी अन्य कोई भी चीज़ें पहुँच नहीं पाती हैं, ये बेसिकली आपकी अभिक्रियाशील ज़्यादा होती नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मृदा परिच्छेदिका का ABCD पार्ट है। फिर मृदा का संगठन देखें तो देखिए मृदा का जो संगठन होता है वो कई अलग अलग कणों में होता है, जैसे बालू हो गया, बारीक कण हो गए, मृदा हो गई, चिकनी मिट्टी हो गई, तो यहाँ पर इनका जो आकार होता है अर्थात मृदा के कणों के आकार के आधार पर इनका निर्माण होता है। ये 5 मिलीमीटर से लेकर के आपके 0.002 मिलीमीटर तक की यहाँ पे मिट्टी के कण पाए जाते हैं और इसी आधार पे इनको बालू, बारीक, बजरी, चिकनी मिट्टी, गाद, सिल्ट जैसे अलग अलग आधारों पर इनका डिवाइडेशन किया जाता है, अर्थात मिट्टी के पाए जाने कणों के आकार के आधार पर हम यहाँ पे मृदा के संगठन को देखते आते हैं। मृदा का जो संगठन है वो कई अन्य सारी चीज़ों से भी मिलकर बनता है, अर्थात निर्माण किससे होता है तो वहाँ पर आपको देखें तो यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों से मिलकर होता है। कार्बनिक पदार्थ जैसे कि आपके ह्यूमस आपको पाई जाती है, ह्यूमस जिसको हम कहते हैं कि मिट्टी जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में कह सकते हैं कि उनके टहनियाँ हो गई, पत्तियाँ हो गई, फल हो गए, जो टूटकर काफ़ी लंबे समय तक सड़ते गलते रहते हैं, उससे एक ह्यूमस का निर्माण होता है और उस ह्यूमस को हम कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। इसके अलावा इसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। खनिज पदार्थों में अगर हम देखें तो दीर्घ मात्रिक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि दीर्घ मात्रिक तत्व में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर है जो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं, मैग्नीशियम है जो क्लोरोफिल का निर्माण करता है उसमें सहायता करता है आपको। इसके अलावा सूक्ष्म मात्रिक तत्व में पोटेशियम है आपका, साथ ही मैग्नीज है, आयरन है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, बोरान है, ये पौधों के अलग अलग प्रकार के क्रियाकलापों जैसे कि उपापचन है, उनकी वृद्धि है, और एंजाइमों का विक्रीकरण है, एक स्थान से दूसरे स्थान चीज़ों को ट्रांसफ़र करना
है, संचयित करना है, जैसे सभी प्रकार के कामों को यहाँ पर आपके पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के द्वारा संपादित किया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन के रूप में PCS में कई बार पूछे भी गए हैं, इसलिए इनको आप ध्यान से एक दो बार रिविज़न कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके बाद आता है मृदा जल। मृदा में पाए जाने वाले जल कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला आता है गुरुत्वीय जल, अर्थात जो बरसात का पानी होता है या फिर आपके नदी इत्यादि में जो पानी होता है वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पानी रिस कर आपके भूमिगत जल के रूप में चला जाता है उसको हम कहते हैं गुरुत्वीय जल। उसके बाद आता है केशिका जल, ऐसे जल जो आपके मिट्टी के में कणों के आसपास जो होते हैं अंतरालों में पाए जाते हैं और वहाँ पर उसका जो पौधों की जड़ों के द्वारा सींचकर अपने उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं केशिका जल। केशिका जल को क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मिट्टी पेड़ पौधे किस जल को अपने लिए प्रयोग करते हैं, तो वो होता है उसका आंसर है आपका केशिका जल। आर्द्रता जल, अर्थात मिट्टी के कणों के आसपास जो जल होता है वाष्प के रूप में होता है उसको हम कहते हैं आर्द्रता जल। कणकीय जल, जो मिट्टी के में रासायनिक कणों के रूप में जो जल उपस्थित होता है उसको हम कहते हैं कणकीय जल। क्षेत्रीय जल धारिता, अर्थात एक पर्टिकुलर क्षेत्र या भूमि का हिस्सा कितनी जल को धारण कर सकता है उसको बोला जाता है क्षेत्रीय जल धारिता, और इसका निर्धारण होता है आपका केशिका जल, आर्द्रता जल और कणकीय जल के सम्मिलित तीनों को मिलाने के पश्चात जो आंकड़ा मिलेगा, जो डाटा मिलेगा उसी को बोला जाता है आपको क्षेत्रीय जल धारिता। जब भी आपको डिफाइन करना हो तो आप यही कर सकते हैं क्षेत्रीय जल धारिता से तात्पर्य आर्द्रता जल, केशिका जल और कणकीय जल का सम्मिलित स्वरूपों को। इसके अलावा मुरझाना क्या है? मुरझाना एक, अगर आपने कोई भी पेड़ देखा हो तो उसकी पत्तियां जो होती हैं मुरझा जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, तो ऐसी घटनाओं को हम मुरझाना कहते हैं। और ये होता क्यों है? इसकी होने की दो तरीके घटनाएं, एक ऐसी घटना है जिसमें पेड़ जो होता है सुबह के समय जो होता है वो सूख जाता है उसकी पत्तियां, लेकिन रात के समय जो होता है वो आपका ठीक हो जाता है। और ऐसा होने की घटना इसलिए होती है क्योंकि जो पेड़ होता है सुबह जितना वो वाष्पोत्सर्जन करता है, उसकी पत्तियां वाष्पोत्सर्जन जितनी करती हैं उसका जड़ उतनी मात्रा में सुबह पानी को अवशोषित भूमिगत जल से नहीं कर पाता है, इसलिए वो दिन के समय जो होते हैं मुरझा जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है वो वापस से जो होता है उनका वाष्पोत्सर्जन रात में नहीं होता है और जड़ जो होता है वो धीरे धीरे पानी का अवशोषित करता रहता है, जिसके कारण वो फिर से अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं। लेकिन एक दूसरा होता है, दूसरा तरीका, जिसमें आपको स्थायी मुरझा जाता है, अर्थात रात के समय भी ये पौधे उनकी पत्तियां होती हैं वापस अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाती हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाता है क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में मूलतः भूमिगत जल की समस्या होती है, अर्थात भूमिगत जल के रूप में वहां पर कमी होती है। इसी को समझने के लिए एक डाटा आता है जिसको हम कहते हैं मुरझान गुणांक। क्या है? तो मुरझान गुणांक का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहां पर मिट्टी वाष्पोत्सर्जन करने की दर और उसमें भूमिगत जल के रूप में पाए जाने वाले स्थिति का जो अनुपात निकलता है, उनके मध्य जो संबंध स्थापित होता है, जो अनुपात बनता है, उसी को हम मुरझान गुणांक कहते हैं। अर्थात एक पौधे की आवश्यकता के अनुरूप भूमिगत जल में पानी की उपलब्धता का होना या ना होना यह निर्धारित करता है मुरझान गुणांक। तो यहाँ पर हमने ये भी देख लिया। अब बात करते हैं मृदा वायु का। देखिए मृदा वायु अर्थात मिट्टी में पाए जाने वायु यहाँ पर बहुत सूक्ष्म मात्रा में होती है, लेकिन यह आपके मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों के लिए, जीवाणुओं के लिए, साथ ही साथ कवक हैं जैसे केचुए हैं, इन सारे लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उनके बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, श्वसन के लिए। तो वहाँ पर मृदा जो वायु होती है ऐसे जीवों के लिए वहाँ पर एक काफ़ी अभिक्रियाशीलता का कार्य करती है। इसके अलावा मृदा जीव अर्थात मिट्टी में पाए जाने वाले जीव जैसे कि केचुआ। मृदा अभिक्रिया अर्थात उसके पीएच मान को लेकर बात करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे जो मिट्टी जो होती है, जहाँ पर मृदा जो होती है, यदि उसका पीएच मान 7 है तो वहाँ पर वो आपका कह सकते हैं उदासीन होगी, यदि वहाँ पर आपका कम 7 से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर आपका क्षारीय होगी, और यदि वहाँ पर 7 से कम होगा तो वो अम्लीय मिट्टी हो जाती है। क्षारीय मिट्टी में सोडियम और कैल्शियम की मात्रा जाती होती है, और आपका अम्लीय मिट्टी में जो होता है वहाँ पर हाइड्रोजन इत्यादि के जो कण होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया मृदा अभिक्रिया। अब बात करते हैं मृदा के भौतिक गुणों की। तो मृदा के जो भौतिक गुण है, पहला है मृदा की बनावट, आकार और व्यास पर, वही जो मैंने अभी पहले बताया था कि यहाँ पर आकार व्यास अर्थ उसका 5 मिलीमीटर से लेकर 0.002 तक के जो भी आपके आंकड़े मिट्टी के जो कण पाए जाते हैं उसके आधार पर मृदा की बनावट, जिसमें बालू हो गई, बजरी हो गई, कह सकते हैं कि चिकनी मिट्टी हो गई, गाद हो गया, सिल्ट हो गई, ये सारी चीज़ें।
मृदा के प्रकार, तो देखिए बलुई मिट्टी है, गाद मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, दोमट मिट्टी, चूना मिट्टी, ह्यूमस मिट्टी, सैलिनाइन मिट्टी, ये अलग अलग मिट्टियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। इन सब की अपनी अपनी विशेषताएँ हैं। यहाँ पर देखें तो जैसे जैसे मिट्टियों का जो होता है आप आकार देखेंगे, तो कुछ ऐसी मिट्टियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं जिनमें जल धारण की अच्छी क्षमता होती है, जैसे जैसे गाद मिट्टी हो गई, चिकनी मिट्टी हो गई, दोमट मिट्टी हो गई। कुछ ऐसी मिट्टियाँ होती हैं जो पानी को रिसकर वहाँ पर स्वच्छ करने का काम, जैसे चूना मिट्टी हो गया, बलुई मिट्टी हो गई, कुछ ह्यूमस मिट्टी हो गई जहाँ पर आपके कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है, और जैसे सैलिनाइन मिट्टी, इसमें आपके सोडियम कह सकते हैं क्लोराइड की जो होती है मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपके अलग अलग जो मिट्टी हैं उनमें अलग अलग तत्वों की या कह सकते हैं पदार्थों की तत्वों की या मिश्रण जो होता है अलग अलग होता है, जिसके आधार पर हम यहाँ पर मिट्टियों का निर्धारण करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले जलवायु कारक, स्थलाकृत कारक और मृदा कारक, हमारे यहाँ पर तीन कारक खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक कारक और बचता है जिसको हम कहते हैं जैवीय कारक। देखिए जैवीय कारक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। यहाँ पर इससे रिलेटेड आपको अलग अलग एग्जाम में PCS का हो या IAS का हो, वहाँ पर आपको कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आइए इसको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा। इसको कई बार लोग इसको लेकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए जैविक कारक को तीन अलग अलग वर्गों के आधार पर पढ़ा जाता है। पहला, किसी स्थान पर उगने वाले पौधों जो किसी स्थान पर जो पौधे होते हैं उनके मध्य जो संबंध होता है उसका अध्ययन जैविक कारक के अंतर्गत करते हैं, अर्थात दो अलग अलग पौधे कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो पहला, प्रतियोगिता। प्रतियोगिता क्यों होती है? देखिए दो लोग हैं तो दो लोगों को एक ही स्थान पर हैं तो उस स्थान पर पाए जाने वाली सभी वस्तुओं के लिए उनके मध्य प्रतियोगिता होती है। इसका एग्जांपल मैं पहले आपको एक ह्यूमन बेसिस पे समझा देता हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं लेकिन जॉब वहाँ पर एक ही है, एक ही स्कूल है, स्कूल में एक ही सीट है, तो वहाँ पर दोनों के मध्य प्रतियोगिता होनी ज़रूरी है कि वहाँ पर जो ज़्यादा अच्छा करेगा उसी को स्कूल अच्छे स्कूल मिलेगा, जो ज़्यादा अच्छा करेगा उसी को अच्छी जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर भी पौधों के मध्य भी इसी है, अगर एक ही क्षेत्र में 2, 3, 4 या 5 या 10 पौधे हैं लेकिन उन सभी के लिए प्रकाश की मात्रा, मिट्टी, खनिज पदार्थ, लवण, जल इत्यादि की मात्रा सीमित है, तो वहाँ पर उन सभी के मध्य इसको ज़्यादा अपने एक होड़ रहेगी, एक प्रतियोगिता रहेगी इन सभी भी चीज़ों को पाने के लिए। तो वहाँ पर जो ज़्यादा बेहतर तरीके से संचालित कर पाएगा, ज़्यादा सक्षम हो जा पाएगा, पर्यावरण के ज़्यादा अनुकूल हो पाएगा, वही वहाँ पर संघ आपको आगे बढ़ेगा, अन्यथा की स्थिति में वहाँ पर वो नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है प्रतियोगिता। इसके बाद आता है परजीविता, अर्थात दूसरों के ऊपर वहाँ पर जीने वाले पौधे। तो परजीवी पौधे वहाँ पर होते हैं, कुछ ऐसे पौधे जो परजीवी के रूप में वहाँ पर काम करते हैं या पढ़ते हैं सारी चीज़ों को लेकर, अर्थात जो ऐसे पौधे जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और वो दूसरे पौधों के ऊपर अपना आश्रित रहते हैं और उन्हीं से भोजन इत्यादि की प्राप्ति करते हैं। इसी तरह सहजीविता, अर्थात दो अलग अलग लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करते हैं, जैसे राइजोबियम जो होता है जो आपको दलहनी फसलों में पाया जाता है, तो वहाँ पर वो राइजोबियम जो जीवाणु है वो आपके नाइट्रोजन को जो होता है वो पौधों के खाद के रूप में परिवर्तित करता है ताकि वो आसानी से ले सकें, और उसी तरह के से जो पौधा होता है उस राइजोबियम को जो होता है कवक को वहाँ पर आपको खाद्य पदार्थ या कह सकते हैं पोषक पदार्थों की आपूर्ति वहाँ पर सुनिश्चित करता है। इसके अलावा है माइकोराइजा। माइकोराइजा अर्थात कवक का मिट्टी के साथ, जिस तरह पौधों के साथ एक कवक का पौधों के साथ जो संबंध स्थापित होता है, एक दूसरे के जो आदान प्रदान होता है उसको हम कहते हैं माइकोराइजा। मृतोपजीविता अर्थात मर गए जीवों पर निवास करके या उनसे जो होता है अपने खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति करने, जैसे गिद्ध होता है, गिद्ध जो होता है मरे हुए जीवों को खाकर ही अपनी दैनिक प्रक्रिया को संपादित करता है, तो उसको हम कहते हैं मृतोपजीविता, अर्थात मृत जीवों पर आश्रित जीव। अधिपादपता अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पौधा जो कि आपके जैसे ऑर्किड्स होते हैं, वेलामन होते हैं, वो आपके पौधों पर तो उगते हैं और खाद्य आपूर्ति अपने उनके माध्यम से करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके पास अपने भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है, वो वायुमंडल से नमी इत्यादि को प्राप्त करके अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन वो उन पौधों पर उगते ज़रूर हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं परजीविता में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे अमरबेल आती है, ओरोबैंकी आती है, चंदन आते हैं, तो ये आपके परजीवी हैं जो पूरी तरह से आपके दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। यहाँ पर आधिपादपता में ऑर्किड आता है जो अपने भोजन स्वयं
स्वयं तो बना सकता है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर उस दूसरे पौधे पर उगता जरूर है। दूसरा है पौधों व मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीवों में संबंध, अर्थात ऐसा पौधा जो मृदा का और पौधों का एक दूसरे के साथ जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उसमें उनके साथ क्या संबंध होता है, अर्थात सूक्ष्म जीव पौधों को किस तरीके से प्रभावित करता है। देखिए, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कई सारे तत्वों को यहाँ पर परिवर्तित करके, खाद के रूप में परिवर्तित करके पौधों को वहाँ पर उसे लेने के योग्य बनाते हैं, और पौधे यहाँ पर इन सूक्ष्म जीवों को खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। जैसे कि अभी हमने राइजोबियम और वहाँ पर आपके पौधों की जानकारी ली, तो यहाँ पर जो लाभ है, भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है इससे, और पौधों की वृद्धि में भी ये लाभदायक होते हैं। एट द लास्ट हम यहाँ पर अपना टॉपिक खत्म करते हैं, किसी स्थान की वनस्पति एवं जंतुओं में संबंध। तो देखिए, किसी विशेष स्थान पर अगर वनस्पति भी है और जंतु भी है तो दोनों एक दूसरे से कैसे प्रभावित होते हैं। तो पहला, चरने वाले पशु। चरने वाले जो पशु होते हैं वो भी कई तरीके से हैं, जो कई आपको वहाँ पर आपकी समूल जो होते हैं कि पेड़ को खा जाते हैं, कई ऐसे होते हैं जो आपको पेड़ को ही नष्ट कर देते हैं, मतलब उखाड़ के फेंक देते हैं, जैसे कि हाथी है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो आपके मूलांकुर को खा जाते हैं, तो जिसके कारण पेड़ पनप ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर ऐसे जो चरने वाले जो पशु हैं वो आपके वनस्पतियों को नुकसान पहुँचाते हैं, पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं, वनस्पति को वहाँ पर नष्ट करते हैं, और ऐसी स्थिति में आगे चलकर उनके लिए भी खाने पीने की समस्या उत्पन्न होगी यदि वो पेड़ पौधे वहां पर पनपेंगे ही नहीं, और इस स्थिति में वो दूसरे क्षेत्रों की ओर गमन करते हैं, और वहां पर फिर मानव और पशुओं के मध्य भी संघर्ष जैसी स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा परागण की स्थिति, परागण अर्थात किसी फूल पर बैठा कोई भी तितली मान लीजिए, तो उसके पंख पर जो होते हैं उस फूल से कुछ होते हैं परागण लग जाते हैं, फिर वो उड़ता हुआ किसी दूसरे पे के पास जाता है तो वहाँ पर अपने फड़फड़ाता है पंख, तो वहाँ पर जो परागण उसके लगे हुए हैं दूसरों पर गिर जाते हैं। तो इस जो प्रक्रिया को कहते हैं परागण की प्रक्रिया, अर्थात एक जीव के द्वारा पेड़ पौधे इत्यादि के स्वरूपों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की घटना। दूसरा है फलों व बीजों का प्रकीर्णन, अर्थात मान लीजिए एक चिड़िया ने किसी एक क्षेत्र में कोई फल या खाया, उसका उस जो बीज है वह भी उसके साथ रह गया, नेक्स्ट वो उड़ते हुए 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाती है और वहाँ पर उसका अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकालती है, तो वहाँ पर जो बीज होगा वो वहाँ पर 100 किलोमीटर दूर पहुँच जाएगा और वहाँ पर फिर वो खाद पानी या मिट्टी अगर पाता है वो बीज, तो वहाँ पर वो अंकुरित हो जाता है। तो इस तरीके से फलों व बीजों के प्रकीर्णन में भी आपके जीवों का बड़ा योगदान है। लास्ट में आते हैं कीटभक्षी पौधे, ऐसे पौधे जहाँ पर आपके जो होते हैं मिट्टी जो होती है कार्बनिक पदार्थों की, खनिज लवणों की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की मूलतः कमी होती है, वहीं पर आपके कीटभक्षी पौधे उगते हैं और ये नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए वहाँ पर कीटों को वहाँ पर खाते हैं। जैसे कि आपको वहाँ पर आप देख सकें राइजोपस है, आपको यूट्रिकलेरिया है, ये जो पौधे पाए जाते हैं ये बेसिकली कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं, और पाए जाने वाले स्थान जो होते हैं वो आपके नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्र होते हैं। तो इस तरीके से हमने आज देखा पारिस्थितिक विज्ञान के बारे में पढ़ा, पारिस्थितिक विज्ञान को समझा इसका मतलब क्या होता है, इसकी शाखाएं अपनी क्या क्या हैं, और साथ ही हमने इसके वर्गीकरण और इसके कारकों को पढ़ लिया। अब आप इसे अच्छे से अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको बहुत सारी यहाँ पर आज नॉलेज मिली होगी और यहाँ पर आपका इतना वर्क यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इतनी सारी चीज़ों को हमने अगले यहाँ पर समय में कंप्लीट कर दिया यदि आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम नई सारी चीज़ों को लेकर आएंगे, जहाँ पर हम आज हमने पारिस्थितिक विज्ञान को समझा है, हम अगले 2 से 3 दिनों में आपको पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित एक वीडियो लेकर आऊँगा और वहाँ पर पारिस्थितिक इकोलॉजिकल सिस्टम को समझेंगे और वहाँ पर ऊर्जा पिरामिड इत्यादि चीज़ें क्या क्या होती हैं उन सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, समझें और वहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगता है वहाँ पर उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप जितना इसे प्रोत्साहित करेंगे उतना ही मैं भी यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर पाता हूँ, क्योंकि आप ही हमारी एनर्जी का स्रोत हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो लेक्चर का मैं फिर से आपको नए टॉपिक्स के साथ मिलता हूँ, तब तक आप इसे पढ़ें, इन्जॉय करिए। थैंक यू सो मच।